नमस्कार। आज हमारे बहुत बड़े सौभाग्य है कि हम लोग आजादी के 75वां वर्ष में ये सेलिब्रेट करने के मौका हमें मिल रहा है, सुनहरा मौका। हमारे बीच में शायद अंकल जी एक है जो 75 के ऊपर होंगे शायद। अंकल जी हमारे 81 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने एकमात्र हैं जिन्होंने देखा है आजादी। हम लोग ने किसी ने नहीं देखा वो 1947 की जो सुनहरी घड़ी, कितने सारे हमारे नेताओं की जो बलिदान, हमारे जो विप्लवी जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है ब्रिटिश राज के साथ, उन लोगों की जो कुर्बानी, उनकी जो सोने के स्रोत वो बह गए कहाँ, वो उन्होंने देखा है, हमने किसी ने नहीं देखा। तो हमको ये आज गर्व हो रहे हैं कि कम से कम हमारे बिल्डिंग में कोई तो है जिन्होंने वो घड़ी देखा, सुना, महसूस किया। आज हम उनके साथ खड़े होके उसी आजादी के 75वां वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं और शपथ ये लेते हैं कि कम से कम थोड़ा हमको समझ में आए कि इसके मूल्य क्या है, इसकी जो वैल्यू, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि देश के बाहर के दुश्मन के साथ तो हम लड़ चुके हैं, पर हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन हैं जो अंदर रह के हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं और रोज कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है और हम सबको कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार हो उनको माफ नहीं करना चाहिए और उसके विरुद्ध में हमको एक साथ लड़ना है, तब जाके हम आजादी को सच्चाई तरीके से हमको मिल सकता है। बाहर के दुश्मन तो हम संभाल लेते हैं, घर के दुश्मन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हमारे संसार में भी हम देखते हैं जो हमारे छोटे छोटे परिवार है उसके अंदर भी घर के अंदर कोई दुश्मनी करता है उसको झेलना बहुत भारी पड़ता है। तो आज हमारे घर घर से एक ही दरखास्त है, अनुरोध है कि हम अपने परिवार को पहले सुरक्षित करें और कोशिश करें देश को भी सुरक्षित करने के लिए कि हमारे परिवार, बिल्डिंग सारे अंदर कोई भी कोई गलत काम करे तो हम उनको सुधारने के रास्ता दिखाएं, उसको समझाएं। तो एक एक परिवार, एक एक बिल्डिंग अगर सुधर जाए तो एक एक करते करते एक एक स्टेट, फिर एक पूरा कंट्री सुधर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक प्लांड वे में हमको पूरे तरीके से चलना है, घर के अंदर से शुरू करके बिल्डिंग, बिल्डिंग से मोहल्ला, मोहल्ला से लेकर हमारे स्टेट, राज्य, उसके बाद राष्ट्र की तरफ हमको आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे जो हमारा मकसद है कि हम देश के बाहर के दुश्मन को हरा चुके हैं, अंदर की जो दुश्मन है उसको भी हम हरा देंगे और सच्चे तरीके से जो स्वाधीनता है वो हमको तभी मिल सकता है। अभी तो आधा काम हुआ है मुझे लगता है और आधा काम अभी हमारा बाकी है, वो लड़ाई हमको बहुत बहुत शांति से और बुद्धिमानी से लड़ना है। इसके लिए हमारी अनुरोध है हम सब एक साथ मिल के हाथ जोड़ के देखें, कहीं भी कोई भी गलत चीज़ हो उनको हम समझा के सही रास्ता दिखाएं और अपने आप को, हमारे जीवन को, राष्ट्र को सुरक्षित करें। जय हिंद। ये जो आज भट्टाचार्य साहब ने जो सब कुछ कवर किया है वो बहुत अच्छा अभ्यास स्टडी से उनके उनका नॉलेज, उनका अभ्यास, ये पूरा पूरा उनके छानबीन करके कुछ बहुत अच्छा बात बोल दिया। और इतना समझदार आदमी हमारे यहाँ पर हमारे सोसाइटी में है, या अभी आप लोग हम लोगों को सबको मालूम हो जाएगी कि उनका नॉलेज इतना यहाँ तक पहुँचा है, ये बहुत खुशी की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी, जो आपने ये बात सबके सामने बोल दिया है वो बहुत अच्छा कर दिया, अच्छा भाषण दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। हमने मेरे बारे में बोला है, मैं 81 की उम्र में आए करके 81 के उम्र में तो बहुत कुछ देखा है, ये तो उन्होंने सही बोला है। और मैं ये एक सर्विस मैन हूँ, ये लड़ाई में उसका भविष्य ये है, मुझे बॉर्डर पर क्या रहता है क्या नहीं होता है वो सब मालूम है। उसके बारे में, बॉर्डर के बारे में बोला जाएगा तो इतना वहाँ पर जाने से मालूम हो जाता है वहाँ पर क्या क्या तकलीफें रहती हैं।
बहुत तकलीफ है, आइसा खोलने से आसान रहता है, लेकिन वहाँ पर बिताना रहना ये बहुत टिकट का काम है, बहुत ही टिकट का काम है। और जिद्द होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, वो हारना नहीं चाहिए। तो ये जब हम सब लोगों की तरफ से मैं उनको भविष्य में उनका अच्छा भविष्य हो, उनके हाथ से बहुत से काम अच्छा हो और हमारे स्वतंत्र दिना का ये जो ये है उत्साह है वो उनको आजमाने के लिए और उनके ये करने के लिए हम लोगों को हम उनके लिए उनके साथ में ये इतनी ताकत उनको जवानों को देना चाहिए। हम बाकी कुछ दे नहीं सकते कि ये तो अपने हार्दिक दिल से उनको बोल सकते हैं कि ये जवानों के लिए ये तो काम करता है, उचित काम है। बस बाकी उचित है। धन्यवाद। जो ये कार्यक्रम हो रहा है।